दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध के बाद आखिरकार भाजपा के एलजी को सरकारी स्कूलों में तैनात 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरे आदेश के खिलाफ जाकर 2 जुलाई को भाजपा ने अपने एलजी के जरिए इन शिक्षकों का तबादला बदल दिया था। जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5,000 टीचर का ट्रांसफर कर दिया, रात के बीचों बीच कर दिया, मेरे यानी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश के खिलाफ कर दिया। ये ट्रांसफर क्यों हुआ? ये 5,000 टीचर्स का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि ये वो टीचर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की अपनी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किए। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का एडमिशन IIT और JEE में करवाया है। तो जो टीचर 10 साल से अपने अपने स्कूलों में मेहनत कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ लग के मेहनत कर रहे थे, उन 5,000 टीचरों का भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रातों रात ट्रांसफर करा दिया। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया था, मैंने आप लोगों को ये वादा किया था, दिल्ली के लोगों को वादा किया था, माता पिता को वादा किया था, टीचरों को वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। हम दिल्ली के टीचर्स के हक के लिए, हम दिल्ली के बच्चों के हक के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए लड़ते रहेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके एलजी साहब को इन 5,000 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेना पड़ा है। ये ना सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़छाड़ करेंगे, अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। और दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की उनकी जो ये साजिश थी, ये हम सब ने मिलके इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रोक दिया है। मैं सभी दिल्ली वालों को ये बधाई देना चाहती हूँ कि आपका संघर्ष सफल हुआ। मैं टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को परेशान करने की, दिल्ली वालों की जिंदगी खराब करने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बिगाड़ने का कि जो रोज रोज आप षड्यंत्र रचते हो, इस षड्यंत्र को रचना बंद करो। दिल्ली के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध के बाद आखिरकार भाजपा के एलजी को सरकारी स्कूलों में तैनात 5,000 शिक्षकों के तबादले का आदेश जो है वो वापस लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरे आदेश के खिलाफ जाकर 2 जुलाई को भाजपा ने अपने एलजी के जरिए इन शिक्षकों का ट्रांसफर करवा दिया था, लेकिन अब उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने अब सरकारी स्कूलों में जो 5,000 शिक्षकों का ट्रांसफर करवाने का जो फैसला लिया था, अब उन्होंने वापस ले लिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूल के टीचर है, 5,000 टीचरों का जो ट्रांसफर था वो कहीं ना कहीं 2 जून को कहते हैं दिल्ली के एलजी जो है उनके द्वारा किया गया था, मगर इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और टीचर जो है वो नाराज होते हुए नजर आए और उनकी तरफ से विरोध भी प्रदर्शन किया गया। मगर यहाँ पर अब तो राज्यपाल ने फिर वही ट्रांसफर जो 5,000 टीचरों का किया था वो वापस ले लिया है, यानी कि वो फैसला जो है वो बदल दिया गया है। इसी को लेकर अब
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि दिल्ली सरकार के जो भी फैसले होंगे वो दिल्ली सरकार लेगी, उपराज्यपाल नहीं लेंगे। दूसरा, यहाँ पर टीचरों के लिए जो लगातार दिल्ली सरकार जो कार्य कर रही थी, वही टीचर जो है वो जो जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली सरकार के अधीन स्कूलों के अंदर बेहतर परीक्षा शिक्षा देने का काम किया है, वो उनको अब वापस जो है दिल्ली सरकार के स्कूलों में ही रखा जाएगा। मगर अब देखना होगा जो टीचरों को लेकर विवाद बढ़ रहा था वो और कितना थमता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो फैसला लिया गया था उपराज्यपाल की तरफ से वो वापस ले लिया गया है और दिल्ली सरकार इसको लेकर आप कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, अब कहीं ना कहीं शिक्षा भी मुद्दा बनता जा रहा राजनीति, क्योंकि अब जब आतिशी ने बयान जारी किया है तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा गया, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की, तो आतिशी की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि ये जो फैसला लिया गया था उपराज्यपाल के द्वारा ये भाजपा के इशारे पर लिया गया था और भाजपा के इशारे पर ही उपराज्यपाल ने दिल्ली के 5000 टीचरों को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया था। मगर अब कहते हैं उपराज्यपाल के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया गया और उसके उपराज्यपाल ने इसको वापस ले लिया गया है, तो दिल्ली सरकार इसको कहीं ना कहीं बड़ी मानती नजर आ रही है। और दूसरा, आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको बंद मद्दे रखते हुए इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीति रूप जो है वो आप देते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।